बनाना शेक है ये। टाइम नहीं है भाई, किसी के पास टाइम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़िया तबारक और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। रमज़ान की इफ्तार का और सहरी का जो असल माहौल होता है ना, वो होता है पुराने इलाकों में, और खारा दर कराची का बहुत ही पुराना इलाका है। इसीलिए आज हमने सोचा है कि भाई इफ्तारी करने के लिए जाएं खारा दर, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रीट फूड का बहुत ही ज़बरदस्त सीन है, स्पेशली रमज़ान के अंदर तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। तो खारा दर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। चले भैयान, क्या हाल है? अब खैर है, इफ्तारी का माहौल बना हुआ है भाई। समोसे, पकौड़े, ये क्या है वो? कौन यहाँ? ये समोसे का सीन बना हुआ है यहाँ पे, ये सैलेड बन रहा है, रहमान बिरयानी, अलमारी चिकन बिरयानी। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है। रहमान बिरयानी की जो पूरी डिटेल वीडियो है ना, वो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। लेकिन अभी रमज़ान में क्या माहौल है वो भी मैं दिखा दूँ। इफ्तारी के लिए जो है वो बिरयानियाँ पैक होती जा रही है। वालेकुम सलाम, कैसे है रे? चले जी, यहाँ से आगे चलते हैं और आगे का माहौल चेक करते हैं। ये देखिए आप, ये पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स पाकिस्तान बनने से पहले की। और ये जो तार है ना, ये तार, ये आप लाहौर हो या कराची हो, जो भी पुराना इलाका है, आपको वहाँ ये तार ज़रूर नज़र आएंगे इस तरह से। और इनकी भी एक अलग ही वाइब होती है, एक अलग ही फील होती है इनकी। ये खारा दर के कोर, खारा दर में हम दाखिल हो चुके हैं इस वक्त। ये देखें आप, पांच आलू वाले, ये बना हुआ भाई इफ्तारी का माहौल। समोसे, रोल, जगह जगह नज़र आ रहे हैं हमको। कैसे ठीक है? आपका प्रोग्राम मैं देख रहता हूँ। अच्छा, मैं लंदन में होता हूँ, आपका प्रोग्राम वहीं देखता हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज यहाँ बना रहे हो? हाँ, ज़रा आपने क्या रमज़ान का माहौल दिखाया खारा दर में। ये मालपूड़ा, और ये चिकन स्टिक है, चिकन विंग्स है, चिकन विंग्स है। अकबर भाई बहुत पुराने हैं। अकबर भाई कब से बना रहे हैं आप? ये तो सर मुझे 30 साल हो गए। 30 साल जी, यहाँ पर हो गए 28 साल हो गए। अच्छा, माशाल्लाह। इससे पहले केमाड़ी में थे? केमाड़ी में थे। अच्छा अच्छा अकबर भाई, क्या सबसे बेस्ट क्या चीज़ है? रोल आ गए इंशाल्लाह, सारे जायके अलग अलग है, सारे एक से एक बढ़कर टेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? यहाँ पे भी छोटा सा सेटअप है। ये चने, काले चने? जी जी, काले चने पापड़ी जी। ये रहिए भाई, आप ये छोटा सा सेटअप जो है यहाँ पे भी है घर के बाहर। कैसे अंकल, खैरियत से हैं? ज़रा रमज़ान की वीडियो बना रहे हैं ऐसे ही। हाँ, सही है। सही है, यूट्यूब पे आएगा, यूट्यूब पे आएगा। ये जो होती है ना, ये कम्युनिटी का जो माहौल है यहाँ पे खारा दर के अंदर, ये बड़ा ज़बरदस्त है ना। सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, सब मोहल्ले वाले एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही है ना। खारा दर का ये एक पुराने इलाकों की ये बात सबसे अच्छी है कि सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जानते हैं, मिलना मिलाना होता है, खुशी में गम में सब है ना, ऐसे ही है ना। ये देखिए यहाँ पर, ये बड़ा ज़बरदस्त ये बैठक का वाला माहौल बना हुआ है। ये जो है ना भाई, ये खारा दर का एक समझे गढ़ है। यहाँ से ये भी एक राउंड अबाउट से गली गली जा रही है, यहाँ से जहाँ से हम आए या रहमान बिरयानी वाली गली है, चारों तरफ यहाँ पे गलियाँ जा रही हैं और हर तरफ रौनक है, बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है। रोल, ये देखो भाई, ये है रमज़ान का माहौल।
सब खैरियत से हैं। गोल गप्पों का सीन बना हुआ है रमजान में। ये फल फ्रूट की खरीदारी भी हो रही है। सलामकुम, कैसी हैं आप? जी ठीक है, खैरियत से हैं। ये काले चने और खट्टे आलू है ना? ये जी खट्टे आलू, खट्टे आलू। आप ये घर पे बनाते हैं अपने? जी हाँ घर पे बनाते हैं। यही आप खाना घर पे? घर है टावर पे। टावर पे घर है आप? जी टावर पे घर है। अच्छा 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 भाई, ये रहमान बिरयानी वाली गली से आप जब सीधा आएंगे यहाँ कॉर्नर पे, ये जो है ना ये दोनों यहाँ पे माशाल्लाह ये बेच रहे हैं काले चने और खट्टे आलू। तो कितने की होती है एक प्लेट? हाँ 50 की। 50 की? अच्छा चले एक एक हमें भी दे दें 50 की। भाई 50 रुपए की एक प्लेट है, ये काले चने भी हैं, पापड़ी भी है, खट्टे आलू भी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। हमने भी ले लिया, आगे जब अफ्तार का टाइम होगा तो टेस्ट करेंगे इसको, ज़बरदस्त। आप लोग आम दिनों में भी बेच रहे होते हैं? गोल्डन मार्केट पर। सलामुअलैकुम। सलामुअलैकुम, क्या हाल है? गोल्डन मार्केट पर होते हैं और रमज़ान में यहाँ खारादर पे आ जाते हैं। रमज़ान में यहाँ पे आ जाते हैं भाई, रमज़ान में यहाँ पे आ जाते हैं। आम दिनों में बोल्टन मार्केट पे होते हैं, तो यहाँ से आइए और इनको भी सपोर्ट कीजिए, चने खरीदिए मज़े मज़े के। ये सीन है भाई यहाँ पे। चलें जी ज़रा आगे की तरफ चल के देखते हैं। ये है आइसक्रीम सोडा दूध, कितने का है दूध? 50 का। ये सीन है भाई यहाँ पे, ये फ्रूट्स की ख़रीदारी हो रही है। बड़ा नजर कष्ट नजर आ रहा है, ये क्या फ्रूट है ये? ये देखो भाई, ये देखो ये अंडे मिल रहे हैं यहाँ पे, समोसे, जलेबी, पकौड़े, मालपुआ, मोंग टोंग और तरह तरह के आइटम, क्रीम फ्रूट चाट, चने, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे जो है ना वो रौनक है और हर जगह ही माशाल्लाह ज़बरदस्त रश चल रहा है। और आगे चलते क्या बेच रहे हैं आप? हैं आलू? आलू आलू भाई, आलू ज़बरदस्त। यहाँ पे जम बेकरी और स्वाद बेकरी पे भी बड़ा रश चल रहा है भाई, ये भी यहाँ की काफ़ी ज़बरदस्त, कराची के अंदर काफ़ी ब्रांचेज हैं इनकी। अस्सलाम वालेकुम, ये मलाई खाजा बन रहा है? हाँ मलाई खाजा है ना ये, इसके बीच में वो होता है ना मलाई खोया होता है, खोया होता है इसके बीच में। ये देखिए आप, ये मलाई खाजा है और इसके बीच में होता है खोया। यहाँ पे मुझे लग रहा है ये इफ्तार करवाई जा रही है, कराची का एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड होता है कि जगह जगह लोगों को इफ्तार कराई जाती है और मेरे ख्याल में यहाँ पर यही सीन बना हुआ है, लोग बैठे हुए हैं इफ्तार के इंतज़ार में। अस्सलाम वालेकुम, ये क्या इफ्तार करवा रहे हैं जी? अच्छा की तरफ से। अच्छा सैलानी है, सैलानी है, सैलानी तो कराते ही है। मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा है। मेरा यूट्यूब चैनल देखा है? अच्छा बहुत शुक्रिया। हाँ चलो, सैलानी एक वेलफेयर ट्रस्ट है भाई, यहाँ पे उनके लिए इफ्तार का सिस्टम हो रहा है। और आगे आ जाओ भाई, और आगे आ जाओ। कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ज़रा खारादर का चक्कर लगा भाई, मुझे खुशी इस बात की होती है बहुत के खारादर में स्पेशली मैं आता हूँ ना, तो मुझे जगह जगह लोग मिलते रहते हैं और सलाम दुआ करते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा अपना मोहल्ला है ये। क्या बात है, ये पाकोला मिल्क बन रहा है भाई, हाँ ज़बरदस्त सीन है इफ्तारी का। क्या हाल है भाई, ये क्या बन रहा है? खजला जी, खजला फेनी तैयार हो रही है। यहाँ पे भी ये मलाई खाजा रखा हुआ है, खाजा है, सब कुछ है। मलाई खाजा, रबड़ी खाजा, ये बड़ा
थारादर की सौगात है ये भलाई खाजा फ्रूट चाट। ये भाई फ्रूट चाट बन रही है, क्या हाल है, खैरियत? दिल नशी मिल्क सेंटर के ऊपर क्या मिल रहा है भाई? दूध मिल रहा है मेरे ख्याल में, दूध परेश लगा हुआ है। ये क्या माहौल है भाई, क्या हाल है भैया? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? क्या चीज़ है ये? ये बनाना शेक है। बनाना? जी जी बनाना, बनाना बनाना शेक है ये। दो बनाना शेक येलो रंग का। जी जी ये फॉर्मलाइज किया है। फॉर्मलाइज किया हुआ है। फॉर्मलाइज किया हुआ है। क्या होती है? गुड़ की चाशनी है, गुड़ और चीनी। गुड़ और चीनी और केला भी होता है। ओह धड़ जो है माशाल्लाह ये पार्सल होते जा रहे हैं, ये अफ्तारी के लिए लोग लेके जा रहे होंगे ना, जाहिर सी बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचाए। इसहाक बंद कबाब, ये पापड़ियाँ तैयार हो रही हैं, ये दही फुलकियाँ रखी हुई हैं इसहाक बंद कबाब के ऊपर। रमज़ान में दही बड़े लगे हुए हैं भाई, क्या हाल है भजन? किसी के पास टाइम नहीं है, क्या हाल है भजन? सब खैर है, मज़े में। इसकी भी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। आंटी नहीं है? आंटी कहाँ है? आंटी इंतकाल हो गया? नहीं यार, कब हुआ? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई ये जो कादिर चाट हाउस है ना, इसकी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, 2 साल पहले मैंने बनाई थी। और यहाँ पे एक आंटी थी बहुत अच्छी, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, अभी इन्होंने बताया कि उनका इंतकाल हो गया। आप सब भी उनके लिए दुआ कीजिएगा, और चाहें तो उनकी वीडियो यहाँ मौजूद है, आप लोग जाके देख सकते हैं। भाई हमने ये छोले लिए थे और थोड़े से दही बड़े लिए और बनाना मिल्क शेक ले लेते हैं, और अफ्तार का टाइम होने वाला है, रोज़ा खुलने वाला है। यहीं हलीम वाले भाई के पास बैठ के देखते हैं क्या रोज़ा खोल ले। ज़बरदस्त, 40 रुपये का एक गिलास है सिर्फ, बहुत आला, थैंक यू। चले जी आ जाए, और ये आ गए छोले। चले जी रोज़ा हमारा खुल गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु वबिका आमनतु वअलैका तवक्कलतु वअला रिज़्किका अफ़तरतु, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रोज़ा खुलते ही ना एक हल्का सा सुकून का माहौल हो गया यहाँ पे, और जितने वेंडर्स हैं, जितने शॉपकीपर्स हैं, सब भी रोज़ा खोल रहे हैं। वो भी मैं आप लोगों को एक नज़र दिखाता हूँ। ये देखें, ये हलीम वाले भाई हैं, और ये कादिर चाट भाई ने हमको एक और चाट दे दी है यहाँ पे, पीछे से हमने ली थी, एक चाट और दे दी इन्होंने, थैंक यू। और यहाँ पे ये लोग भी रोज़ा खोल रहे हैं, कैसे है खैरियत? ये देखें भाई रोज़ा खुल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये लोग रोज़ा खोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक भाई, रमज़ान मुबारक, रोज़ा मुबारक, जज़ाकल्ला। अरे यार जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये हमने तो 2-3 चीज़ें ली थी, शूट करते में इतना मौका नहीं मिला, लेकिन ये हमारे लिए इंतज़ाम कर दिया है हलीम वाले भाई ने, ज़रा फ्रूट्स का भी और समोसों का भी,
जजाक अल्लाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। रोज़ा खुलते ही ऐसा लगता है कि जैसे हर चीज़ जो है ना वो थम गई है। सब चीज़ें फास्ट 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 चल रही थी और रोज़ा खुला, अजान की आवाज़ें आ रही हैं और हर चीज़ जैसे बिल्कुल थम गई है, धीमी हो गई है, सब कुछ एकदम रुक गया है, ट्रैफिक का शोर भी कम हो गया है। क्या बात है रमज़ानुल मुबारक की, सुभान अल्लाह। मैं भी अब ज़रा इफ्तार करूँ भाई। ये वाली जो चाट है ना, ये हमने ली थी वहाँ से, जो एक आंटी और वो बच्चा बेच रहे थे चाट, और जो इस तरह के छोटे वेंडर्स होते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि रमज़ान का असल पैगाम भी यही है और देखने में भी ये बहुत ज़ायक़ेदार लग रहे हैं। बोल्टन मार्केट पे होते हैं वैसे, ये रमज़ान में यहाँ पे होते हैं। बिस्मिल्लाह, बहुत ही खट्टे मसालेदार पापड़ी भी है और ये देखें ये आलू भी दिया हुआ है इन्होंने इसके अंदर। ये काले चने जो है ना आपको हर जगह मिलेंगे नहीं है, ये खारादर की स्पेशलिटी है या फिर आपको औरंगी टाउन में मिलेंगे ये। मज़ेदार ये है भाई। दही बड़े इसहाक बन कबाब पे दही बड़े मिल रहे थे क्योंकि दही बड़े रमज़ान का आइटम है, तो बन कबाब की जगह उन्होंने दही बड़े कर लिए। रमज़ान का महीना वो महीना है कि जिसमें अल्लाह ताला की रहमतें जो है ना वो बर्फ़ रही होती हैं, इसीलिए हम देखते हैं कि आम तौर पर दस्तरखान पर जितने आइटम्स होते नहीं हैं रमज़ान में वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना वो रिस्क की भी फरावानी हो जाती है। और ऐसे मौक़े के ऊपर ख़ुद भी अच्छी अच्छी इफ्तार करें अगर आप कर सकते हैं और दूसरों को भी कराएँ। और ये दही बड़े भी बहुत ही, दही फुल्कियाँ बहुत मज़ेदार हैं। दिन भर रोज़े में प्यास बर्दाश्त करने के बाद जब अफ्तारी के टाइम पे आपको ये ठंडे मशरूब मिलते हैं ना तो दिल से सुभान अल्लाह निकलता है। और ये 40 रुपए का सिर्फ बनाना शेक वाकई बहुत लाजवाब है, सुभान अल्लाह। ये है भाई कादिर चाट हाउस की चाट और ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका होता है इनका बनाने का, बहुत सारी चटनियाँ इसके अंदर डालते हैं। और यहीं हम कादिर चाट और जो हलीम है VIP हलीम, इसके दरमियान हम बैठे हुए हैं इस वक्त, कादिर चाट हाउस देखते हैं। आलू और चने तो इसके अंदर हैं ही, लेकिन इसके अंदर जो चटनियाँ सॉसेस सेव वगैरह ये डालते हैं ना बहुत ही अलग टेस्ट है। पहले भाई हम ज़रा भी अपनी इफ्तारी फिनिश करते हैं, उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद चाय तो बनती है ज़बरदस्त। हो चुकी है भाई और सब लोग अपने अपने कामों की तरफ रवाना हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी हो गई है, रोज़ा भी इफ्तार हो गया है और अब एक चीज़ जो इसके बग़ैर इख्तिताम होता नहीं है और वो है चाय, क्योंकि चाय जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। और यहीं छोटा सा एक चाय का ढाबा बना हुआ है। अस्सलामु अलैकुम, खैर क्या हाल है? ज़बरदस्त, दो दूध पत्ती चाहिए कड़क, दो दूध पत्ती अलग का VIP करके लगाओ, टाइट करके हाँ VIP कड़क वाली लगाना ज़रा, रोज़े के बाद वाली जो होती है ना। बड़ा गबड़ चाय बना के दोस्ती वाला 50 का पर्सन आ गई है भाई हमारी चाय। और अफ्तार के बाद जो ये चाय का पहला सिप होता है ना, इसके बाद ये जो है ना सीधा जाके लगता है दिमाग पे और इसके बाद जो है ना बंदे को जाके कहीं जाके सुकून मिलता है। और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, बड़ा मज़ा आया यहाँ खारादर पे अफ्तार करके, बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे अफ्तार का माहौल होता है, शहरी का भी बड़ा ज़बरदस्त माहौल होता है। और अभी तो रमज़ान शुरू हुए हैं, आगे आगे देखिए इंशाल्लाह होता है क्या। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना भी ज़रूरी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।